मेरे साथ अमित मंडल है जो यहाँ एक मार्बल हाउस में काम करते हैं, गुड़ा पठान जो इलाका है वहाँ पे। ये आपने क्या देखा रात के वक्त, और आप कहाँ थे, और आपसे कितनी दूरी पे वो लोग थे, शख्स थे, संदिग्ध थे, और क्या कुछ उनके पास था? तो वो हमारे से थोड़ा हटके था, मैं सोए हुए थे और उसको आगे तक देखे, पिलर तक, बिजली वाले पिलर था ना, उस पे तक देखे। दिखाएं हमें, हमें बताएं, जैसे आप यहाँ पे सोए थे और आपसे कुछ ही दूरी पे, यानी कि यहाँ पे, अच्छा इससे इतना दूर, तो आपको कुछ नहीं कहा, आपको कुछ नहीं बोला? हमारे कुछ नहीं बोला वो। अच्छा, तो आप फिर चलते हुए आप दिखाएं, मैं अपने विजय को कहूंगा दिखाएं सामने इलाका, कहाँ तक गए वो, कहाँ वो जो बिजली का खंभा है? अच्छा, बिजली के खंभे तक आपने देखा कि वो जाते हुए, कितने लोग थे? तीन लोग। तो हथियार क्या थे उनके पास? उसमें हथियार था और काले कपड़े पहना हुआ था। काले कपड़े पहना हुआ था, तो आपने उसके बाद किसको सूचित किया, बताया किसको? हम किसी को नहीं बोले, बताइए। तो आप क्या किया फिर, आपने छुप गए आप? हम छुप गए, डर गए थे आप? हम डर गए उसके। हाँ, तो अब ये जो इलाका है आगे किस तरह का है, किस तरह का खौफ आपके मन में है? आप शायद प्रवासी मजदूर हैं, यहाँ काम करते हैं? हम मजदूर हैं। तो आपको शक है वो आतंकवादी? नहीं, हम जो रात को गए यहाँ। हाँ, वो आतंकवादी था, मुंह ढका हुआ था पूरा। अच्छा, मुंह ढका हुआ था, ठीक है। तो ये आसपास के लोग भी हमारे साथ मौजूद है, जिस तरह से इन्होंने देखा है और आसपास के, हालांकि ये लोग खौफजदा हैं, बातचीत कैमरा के सामने नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सब लोग सकते में हैं, जिस तरह से रात को मूवमेंट, एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह मूवमेंट नोटिस की गई आतंकवादियों की। क्या कहेंगे, जिस तरह से आतंकवादियों की मूवमेंट जो है वो दो या तीन जगह पे आपके इलाके में नोटिस की गई? जी 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 सर। सर पहले तो हमारे मीका जी है, उनके पास गए थे वो वहाँ पे, तो उन्होंने देखा, उनसे उनकी बातचीत भी हुई, उसके बाद वो वहाँ से निकल के आए और यहाँ से गुजरे हैं, और इन भाई साहब ने भी देखा वहाँ तक, आगे तक गए हैं, उसके बाद इनको कुछ पता नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं। अभी सर्च अभियान चल रहा है, देखो आगे क्या बनता है। तो किस तरह का खौफ आप लोगों के मन में? सर देखो, काफ़ी देर से ये बातें सुनने को मिल रही है कि यहाँ अटैक हो रहा है, या खौफ तो होता ही है। अब जब तक ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होता, तब तक तो लोगों में खौफ तो थोड़ा बना ही रहेगा। आप देख सकते हैं, इनका साफ कह रहे हैं कि जब तक वो संदिग्ध आतंकवादी मिल नहीं जाते हैं, उनका सफाया नहीं हो जाता, एक खौफ की स्थिति इन सब लोगों के लिए बनी हुई है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 अखनऊ जम्मू।